नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडीज। इट इज़ योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 9th, चैप्टर 14। चैप्टर नेम इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, पार्ट 3। इन आर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कस्टम एनिमेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थ्री कस्टम एनिमेशन। फर्स्ट इज एंट्रेंस, सेकेंड वन इज एम्फेसिस एंड थर्ड वन इज एग्जिट। एंट्रेंस में जो एनिमेशन है वो बाहर से अंदर एंटर करता है, एग्जिट में अंदर से बाहर एग्जिट करता है, एंड एम्फेसिस में वो अपनी स्पेस पे ही रह के, अपनी जगह पे ही रह के वो मूवमेंट करता है। तो दीज ऑल आर द कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेट द टाइमिंग ऑफ कस्टम एनिमेशन, दैट हाउ यू कैन सेट द टाइमिंग ऑफ योर एनिमेशन, हाउ यू कैन सेट इट्स डिले टाइम, कि वो एनिमेशन कितनी देर बाद आना चाहिए, कितनी देर के लिए वो एनिमेशन एक बार में आपकी जो स्लाइड है उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। सो दीज ऑल आर द अबाउट टाइमिंग्स ऑफ कस्टम एनिमेशन। नाउ वन मोर कस्टम एनिमेशन इज देयर, दैट इज मोशन पाथ। सो वी विल टॉक अबाउट दिस कस्टम एनिमेशन, दैट इज मोशन पाथ टूडे, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन, that how you can rehearse the presentation, and one more thing is there, specify the settings of handouts. So today we will talk about these three topics. First is adding motion path, then rehearsing the presentation, and specify the setting for handouts. Okay, so first of all, adding motion path. So for adding motion path, I'm going to open a PowerPoint presentation. So with the help of this presentation, we will better understand the topic. Okay, so I'm opening PowerPoint here. Click on PowerPoint. So PowerPoint presentation will open. Yes. So there is a PowerPoint presentation. So first of all, it will talk about custom animation. So I'm going to do it plain blank slide, and then I'm adding some shapes here. जिससे क्या होगा कि आपको उन particular shapes को move करके दिखाया जाएगा। ये ले लिया हमने एक, then I have added a circle, then a triangle, then एरो। ओके, सो लाइक ये फोर ऑब्जेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन में है, जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें ये दीज फोर ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट देयर। ओके, सो व्हाट विल डू, गो ऑन कस्टम एनिमेशन एंड क्लिक ऑन दिस एड एनिमेशन। ओके, सो इन एड एनिमेशन देयर इज entrance animation, then emphasis animation, then exit animation, and then motion path animation. Okay, so today we will talk about this motion path animation. Okay, so select any object on which you want to give any animation and click on this add animation. Add animation पे जाके आप यहाँ से लाइक आपने शेप ले लिया सर्किल, तो आपका जो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये सर्किल की शेप में मूव करेगा। ठीक है, सेम एज हमने इसको सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन दिस एड एनिमेशन, एंड फ्रॉम एड एनिमेशन हमने क्लिक किया मोशन पाथ। मोर मोशन पाथ पे क्लिक करते हैं और भी मोशन पाथ के एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। सो सी व्हेन आई क्लिक ऑन मोर मोशन पाथ, तो देखिए यहाँ पे कितने सारे मोशन पाथ के इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। These all are the effects of motion path animation. So आप इसमें से जैसे हमने funnel ले लिया, या फिर आप ले लीजिए star, curvy star, तो आपका जो object है वो star की shape में move करेगा। ठीक है, so these all are about the movement of this object. Okay, again I have click on this ट्राइंगल एंड क्लिक ऑन एड एनिमेशन। एड एनिमेशन में मैंने क्लिक किया मोर मोशन पाथ पे, एंड फ्रॉम दिस मोर मोशन पाथ
लाइक आई हैव सेलेक्टेड दिस स्क्वायर, तो आपका जो स्टार है वो स्क्वायर की शेप में एनिमेट कर रहा है, ठीक है। नाउ हेयर इज अ एरो, सो क्लिक ऑन दिस एड एनिमेशन। एड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में आई हैव क्लिक्ड ऑन कस्टम पाथ, ओके। सो कस्टम पाथ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस कस्टम पाथ, कस्टम पाथ पे जब हम क्लिक करते हैं देन वी कैन क्रिएट आवर ओन पाथ फॉर आवर ऑब्जेक्ट। तो मैंने लाइक एक ये पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दिया टू मूवमेंट ऑफ दिस एरो, ठीक है, और इसको वापस यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। तो एरो ने वैसे ही मूवमेंट किया जैसे हमने पाथ बनाया था। तो दिस इज कॉल्ड कस्टम पाथ, कि आप कस्टम पाथ के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कस्टम पाथ, ओके। सो इन कस्टम एनिमेशन देर आर फोर टाइप ऑफ एनिमेशन इज देयर। फर्स्ट इज एंट्रेंस, एंट्रेंस से ऑब्जेक्ट को हम एंटर करवाते हैं, देन एग्जिट से एग्जिट करवा सकते हैं, एम्फेसिस से अपनी जगह पे ही उसको मूवमेंट दिखा सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज कस्टम पाथ। कस्टम पाथ के थ्रू हम देर आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, एंड फ्रॉम डिफरेंट शेप्स वी कैन मूव आवर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट शेप। एंड अगेन इन मोशन पाथ देर इज अ ऑप्शन ऑफ कस्टम पाथ। इन कस्टम पाथ वी कैन क्रिएट अ पाथ एंड आवर ऑब्जेक्ट विल मूव अकॉर्डिंग टू द पाथ क्रिएटेड बाय अस, ओके। सो आई एम गोइंग टू शो यू इट्स स्लाइड शो। देखिए जब हम इसका स्लाइड शो प्ले करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सर्किल दिया था स्माइली को, तो ये सर्किल के रूप में मूव हो रहा है। देन स्क्वायर दिया था इसको, तो ये स्क्वायर ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर हुआ। और उसके बाद में जो हमारा एरो है, एरो को हमने कस्टम पाथ दिया था, हमने एक पाथ क्रिएट किया था, तो वो उस सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडिंग मोशन पाथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉपरली। व्हाट इज मोशन पाथ, व्हाई वी यूज मोशन पाथ। मोशन पाथ इज द एनिमेशन ऑफ फ्रॉम द कस्टम एनिमेशन, एंड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ मोशन पाथ वी कैन मूव आवर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू आवर पाथ। जैसा पाथ हम बनाएंगे उसी पाथ के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा मोशन पाथ में। और उसके अलावा बहुत सारे मोशन पाथ्स अवेलेबल होते हैं, लाइक स्क्वायर, सर्कल, जो मैंने आपको करके बताया। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन पाथ, एंड दिस वॉज द टॉपिक फॉर टूडेज क्लास। नाउ आई एम शेयरिंग योर होमवर्क इन योर क्लास ग्रुप, सो डू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम एंड सबमिट योर नोटबुक इन द स्कूल फॉर चेकिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंड डू ऑल द वर्क इन इंटरलीव नोटबुक। रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। सो डू ऑल द प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा और आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी अगर आपने अभी साथ साथ नहीं किया तो। सो डू प्रैक्टिकल ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड कंप्लीट योर वर्क, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।